ओके सो भाई लोग पहले आ जाओ अपने कैपकट के एप्लीकेशन में एंड अपने वीडियो क्लिप को कुछ इस तरह से इंपोर्ट कर लेना। एंड काफ़ी सारे लोगों का कमेंट रहता है कि भाई इस तरह का क्लिप कहाँ से लाएं, वीडियो क्लिप कहाँ से लाएं। तो भाई देखो, इस तरह का क्लिप आपको खुद शूट करना है क्योंकि दूसरे का क्लिप यूज करके कोई फ़ायदा नहीं ब्रो। अगर आप खुद का शूट करते हो तो फिर आपका इमेज बनता है, आपका एक फैन बेस बनता है, तो आप खुद का बनाना। ओके तो अब चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो पहले जाओ स्टार्टिंग में एंड यहाँ सॉन्ग को भी ऐड करना, यहाँ पर क्लिक करना ऐड ऑडियो में, उसके बाद क्लिक करना एक्सट्रैक्टेड में और अपने गैलरी से किसी रील्स के साउंड को निकाल सकते हो। तो मैं इसी वाले रील्स से निकाल रहा हूँ इसका जो ऑडियो, उसको तो सिंपली कुछ इस तरह से इसका ऑडियो निकाल लेंगे। एंड अब चलते हैं एंड सॉन्ग को पहले सुनना होगा कि आपका सॉन्ग का क्या क्या लिरिक्स है, तो पहले हम सॉन्ग को सुन लेते हैं। तो सॉन्ग को सुनने के बाद पूरा जाओ स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना टेक्स्ट में गाइज एंड स्टार्टिंग में जो आपका लिरिक्स रहेगा सिंपली उसको यहाँ पे टाइप करना, यहाँ पे क्लिक करना ऐड टेक्स्ट में, उसके बाद सिंपली जो भी आपका लिरिक्स होगा फर्स्ट में जो सॉन्ग का लिरिक्स होगा उसका यहाँ पे टाइप कर देना। एंड यहाँ पे टाइप करते टाइम एक चीज़ का ध्यान देना कि आपका जो फर्स्ट लेटर रहेगा ना वो बस कैपिटल रहेगा, बाकी लेटर को स्मॉल रखना। उसके बाद क्लिक करना फॉन्ट में एंड यहाँ से आपको यहाँ पे ऐड करना है इस वाले फॉन्ट को जिसका नाम है स्टीलू बीडी, इसको ऐड करना। उसके बाद आप क्लिक करना स्टाइल में और स्टाइल में आने के बाद इसका जो कलर है उसको आप चेंज कर देना, इसका कलर का रखना ये वाला कलर किधर गया भाई, यहाँ पे ब्लू कलर को इसको ऐड करना, ये कलर काफ़ी सही है ये कलर, तो सिंपली इसको ऐड करना। उसके बाद आ जाना यहाँ पे शैडो में एंड शैडो में आने के बाद आपका पे ऐड करना है ब्लैक शैडो, यहाँ पे क्लिक करना ब्लैक एंड देखो यहाँ पे इसका जो ऑपेसिटी रहेगा ना उसको फुल कर देना एंड इसका जो ब्लर पार्ट रहेगा ना ब्लर को कम करना। ओके अप्रॉक्स इतना। उसके बाद यहाँ पे जो एंगल है ना भाई इस एंगल को नीचे कर देना, मतलब देखो यहाँ पे डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस का आप लोग इतना रखना अप्रॉक्स 10 एंड जो एंगल है आपका एंगल को रखना है अप्रॉक्स -70। ओके इतना कर देना, बाकी ब्लर को कुछ इतना एडजस्ट करके सिंपली इसको हम डन करते हैं। बाकी आप चलते हैं एनिमेशन में, आना पे क्लिक करना एनिमेशन में, उसके बाद आ जाना लूप में गाइज और लूप में क्लिक करने के बाद नीचे जाना, उसके बाद आपका बस सेलेक्ट करना है वेब 3, इसमें क्लिक करना है वेब 3 में, बाकी इसका लेंथ का आप लोग जितना चाहता रह सकते हो, सिंपली इतना करके सिंपली इसको हम डन करते हैं। बाकी यहाँ पे हमें देखना है कि सॉन्ग का जो लिरिक्स है ना वो कहाँ तक है, मतलब कि जो फर्स्ट लिरिक्स है वो कहाँ तक है, तो पहले सॉन्ग को सुन लेना इनमें, तो ये यहाँ तक है। ओके एंड इसमें फाइनल जो एनिमेशन वगैरह सब कुछ यहाँ पे लग चुका है, तो अब आपका पे कुछ नहीं करना, सिंपली इसको कॉपी करना, मतलब जितना चाहता कॉपी कर सकते हो कॉपी करना एंड इसके आगे चिपका देना। उसके बाद जो अगला लिरिक्स होगा उसको यहाँ पे टाइप करना, तो अगला लिरिक्स यहाँ पे सुनना इनाल है, तो पे क्लिक करना, उसके बाद फिर से यहाँ पे क्लिक करना स्टाइल में और जो अगला लिरिक्स होगा सिंपली उसको यहाँ पे टाइप कर देना उसको हटा करके, तो आपका जो है ना परफेक्ट हो जाएगा, आपको उतना मेहनत करना नहीं पड़ेगा, सिंपली टाइप करो चेंज करो टाइप करो कॉपी करो बस। ओके तो जल्दी से इतना कर लेना। ओके सो अभी हमारा लिरिक्स पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैसे एक बार देख लो। एंड हाँ गाइस, सब में सिर्फ एक ही इफेक्ट है जो कि है वेव 3 वाला, आप चाहो तो आप कुछ और इफेक्ट भी टाइप कर सकते हो, मतलब कि यहाँ पे जैसे यहाँ पे वेव 3 है तो सिंपली आ जाना यहाँ पे एनिमेशन में एंड वेव 3 के जगह पे आप लोग कुछ और टाइप के एनिमेशंस भी ऐड कर सकते हो, तो आ जाना इन एनिमेशन में। उसके बाद यहाँ से भी आप लोग अलग अलग टाइप के एनिमेशन ऐड कर सकते हो, तो जैसे मैं ऐड कर रहा हूँ ये वाला इफेक्ट जो कि है पॉप अप, इसको बाकी इसका जो लेंथ है पूरा बढ़ा देना एंड डन कर देना। ओके तो इतना सब कुछ करने के बाद सिंपली इसको आप एक्सपोर्ट कर लेना, तब क्लिक करना ऊपर में, बाकी यहाँ से आप लोग इसका जो क्वालिटी वगैरह है आप लोग इंक्रीज कर सकते हो, उसके बाद सिंपली इसको एक्सपोर्ट कर देना, उसके बाद इसको डन कर देना और डन करने के बाद फिर से क्लिक करना प्लस में और अपने गैलरी से जो भी अभी आप एक्सपोर्ट किए थे ना सिंपली इसको आप ऐड करना। ओके तो सिंपली इस वाले क्लिप को ऐड कर लेंगे, उसके बाद सिंपली फिर से आ जाओ पूरा स्टार्टिंग में, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना ओवरले में, उसके बाद प्लस में क्लिक करना और अभी आपको पे उस वाले क्लिप को ऐड करना है जिसमें आपका कोई भी टेक्स्ट नहीं है कोई भी इफेक्ट नहीं है, तो सिंपली इस वाले क्लिप को ऐड कर लेते हैं। उसके बाद पूरा नीचे आ जाओ, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना बेसिक में, उसके बाद क्लिक करना स्केल में एंड इसको पूरा 100 कर देना 100%, तो आपको पूरा फिट आ जाएगा। ओके उसके बाद सिंपली इसको डन करना और डन करने के बाद पूरा नीचे आ जाना एंड यहाँ पे क्लिक करना कट आउट में, उसके बाद क्लिक करना रिमूव बैकग्राउंड में इसमें, उसके बाद हल्का सा आपको वेट करना। ओके सो फाइनली हमारा जो बैकग्राउंड है पूरा रिमूव हो चुका है, तो सिंपली इसको हम डन करते हैं और डन करने के बाद अभी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 1 2 3 स्टार्ट। सो इस तरह से आप लोग बिहाइंड द लिरिक्स ऐड कर सकते हो एंड पर्सन के पीछे लिरिक्स ऐड कर सकते हो। तो बाकी ये था वीडियो का, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब भी कर देना, बाकी मिलते हैं कल एंड फिर से एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय टाटा।